बच्चों के स्कूल के लिए टिफिन के लिए टेंशन हो रही है ना, तो फटाफट से एक ये बस बिल्कुल आसान सी चीज़ बना डालिए और बहुत जल्दी में बनने वाला है, सुबह सुबह के हॉच पॉच में सबसे ज़्यादा ईजी बनने वाला है ये और बहुत टेस्टी भी। सो यहाँ हमने काट लिए हैं टमाटर और हरी मिर्च, लहसुन कूटने के लिए रख दिया है, आप पेस्ट भी बना सकते हैं इसका और पेस्ट ले भी सकते हैं। तो हमने तेल गर्म करने रख दिया है और मैक्रोनी, जी हाँ मैक्रोनी में हम एक दो सीटी लगाकर उबाल कर रख देंगे इसको। तो यहाँ हमने काट लिया है प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और ये लहसुन का हमने पेस्ट भी बना लिया है। तेल गर्म होने के लिए रख दिया है और तेल गर्म होते ही इसमें डाल लेना है जीरा और हरी मिर्च, साथ में हरी मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, अगर हरी मिर्च नहीं खाते हैं तो लाल मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं। और साथ में हमने डाल दिया है यहाँ लहसुन का पेस्ट, टमाटर और प्याज। इसके साथ में जाता है साथ साथ डाल देना है नमक, और क्योंकि नमक आपको स्वादानुसार ही डालना है तो नमक की क्वांटिटी मैं नहीं बता पाऊंगी यहाँ पर, तो आपको अपने स्वाद अनुसार नमक डालना है। और इसके साथ में जाएंगे थोड़े मसाले, हल्दी जाएगी, हल्दी के साथ में ही आपको धनिया भी डालना है तभी इसका स्वाद थोड़ा सा इंक्रीज हो पाएगा। सो यहाँ हमने डाल दिया है ये धनिया अपने अनुसार जितना हमें डालना होता है, आप थोड़ा सा ज़्यादा सा कैसा भी करके कर सकते हैं, इसमें बस थोड़ा सा क्वांटिटी का फ़र्क पड़ता है, सबका अपना अपना बनाने का अंदाज़ होता है तो उसी के अकॉर्डिंग आप कीजिएगा। और ये इसको बहुत अच्छे से भून लेना है क्योंकि टमाटर को गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है और यहाँ पर थोड़ा सा टमाटर गल चुका है। इसके साथ में हमने मिक्स कर दिया है जो मैक्रोनी हमने उबाल के रखी थी उसी को अच्छे से, बस अब काम रह गया है हमारा इसको फ्राई करने का। आप हरी मिर्च ना डालकर इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, मैं ज़्यादातर हरी मिर्च ही खाती हूँ तो इसलिए मैं हरी मिर्च को सबसे पहले जीरा के साथ में ये तड़का लगा देती हूँ ताकि उसका स्वाद और ज़्यादा इन्हेंस होकर निकले। तो यहाँ मुझे हरी मिर्च का स्वाद बहुत पसंद आता है और देखिए बातों बातों में ही हमारी मैक्रोनी हो चुकी है तैयार। तो बस इसमें हम भी खुश क्योंकि हमारा टाइम बचा है और बच्चे भी खुश क्योंकि उनको हेल्दी एंड टेस्टी खाना मिल चुका है अपने टिफिन के लिए। सो यहाँ मैंने मीठा दलिया भी उनके साथ में रखा हुआ है, तो आप भी ऐसे बनाकर दे सकते हैं अपने बच्चों को स्कूल के लिए टेस्टी टेस्टी।